क्या मुझे भी ये लोन मिल सकता है? किससे पूछूं? मैं तो किसी को जानती भी नहीं। बिट्टू भैया, ये एजुकेशन लोन कैसे ली जाए? छोड़ो, बड़े पंगे हो। लो, अब तो सुखलाल ने भी अपना काम शुरू कर दिया। पैसा कहां से आया होगा? पूछूं क्या? ₹130 करोड़ लोगों का देश, केंद्र सरकार की भिन्न प्रकार की योजनाएं और हर योजना के ढेरों लाभार्थी। एक तरफ पाने का इंतजार, एक तरफ देने की बेसब्री, एक तरफ डर और सवाल, एक तरफ टेक्नोलॉजी और तैयारी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता थी जिसने देश में 45 करोड़ लोगों के बैंक खाते खुलवाए। बिना बिचौलिए उन खातों में उनके हक के पैसे पहुंचाए। योजनाओं का लाभ 100% हकदारों तक पहुंचाना है। इस लक्ष्य को सार्थक करने के लिए उन्होंने देश के आगे रखा है एक बड़ा विजन। जन समर्थ, www.jansamarth.in। अब भारत सरकार के 9 मंत्रालयों की 13 सरकारी योजनाएं एक ही मंच पर, चाहे लोन हो या सब्सिडी। जन समर्थ से आप घर बैठे इन 13 योजनाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं और उनका लाभ उठा सकते हैं। होम स्क्रीन पर आप लोन्स की 4 श्रेणी पाएंगे: शिक्षा लोन, कृषि लोन, छोटे उद्यमियों के लिए लोन, आजीविका लोन। भारत सरकार ने सभी राष्ट्रीयकृत बैंक, निजी बैंक और ऋण देने वाले अन्य कई वित्तीय संस्थानों को इस पोर्टल से जोड़ दिया है। आपको जिस बैंक से सही ब्याज दर मिले आप उसे चुन सकते हैं। फिर कुछ जरूरी दस्तावेज जमा करें और एक सरल सी प्रक्रिया के बाद ऑन स्पॉट लोन की डिजिटल मंजूरी प्राप्त करें। मतलब दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं, लोन सैंक्शन होने पर राशि भी सीधी खाते में आ जाएगी। की अत्याधुनिक स्मार्ट टेक्नोलॉजी आपको मार्गदर्शन देने के लिए भी सक्षम है कि आप अन्य क्या लाभ भी उठा सकते हैं। शुरुआत में 7 और बाद में अन्य भारतीय भाषाओं में आप पोर्टल को इस्तेमाल कर पाएंगे। जन समर्थ, प्रधानमंत्री जी के सरकार और लोगों के बीच का पुल और खिलाएगा करोड़ों जीवन में खुशियों के फूल। जय हिंद। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये 8 साल आर्थिक क्षेत्र के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखे जाएंगे, जब भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व में तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनती जा रही है। जब भारतीय अर्थ का चक्र घूमा तो चुनौतियों को रौंद के आगे बढ़ता गया। जब धन निर्धन तक पहुँचा, तंत्र पारदर्शिता की पराकाष्ठा तक पहुँचा, हिंदुस्तान के अंतिम आदमी के मन की पीड़ा को महसूस करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीबों वंचितों को आत्मसम्मान दिलाया, किसानों छोटे कारोबारियों का आत्मविश्वास बढ़ाया, देश को आत्मनिर्भरता के पथ पर चलाया। भारतवासियों की श्रद्धा के शिखर पुरुष माननीय प्रधानमंत्री जी, अब हमारी विनम्र अनुनय है कि कृपया हम सबको संबोधित करें, हमारा मार्गदर्शन करें, हमें राह दिखाएं।
केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, श्री राव इंद्रजीत सिंह, पंकज चौधरी जी, श्री भागवत कृष्णराव कराड़ जी, अन्य सभी महानुभाव देवी और सज्जनों, बीते वर्षों में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, उन्होंने अपने कार्य के द्वारा सही समय पर सही निर्णयों के द्वारा अपनी एक लीगेसी बनाई है, एक बेहतरीन सफर तय किया है। आप सभी इस विरासत का हिस्सा है। देश के सामान्य जन के जीवन को आसान बनाना हो या फिर देश की अर्थव्यवस्था को सशक्त करना हो, बीते 75 वर्षों में अनेक साथियों ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। ये आइकॉनिक वीक ऐसे हर साथी को, अतीत के ऐसे हर प्रयास को जीवंत करने का अवसर है। अमृतकाल में हम अपने इस अतीत से प्रेरित होकर अपने प्रयासों को और बेहतर कर सके, ये इस दिशा में बहुत अच्छा कदम है। आज यहां रुपये की गौरवशाली यात्रा, इस सफर से परिचित कराने वाली डिजिटल प्रदर्शनी भी शुरू हुई और आजादी के अमृत महोत्सव के लिए समर्पित नए सिक्के भी जारी किए गए। ये नए सिक्के देश के लोगों को निरंतर अमृत काल के लक्ष्य याद दिलाएंगे, उन्हें राष्ट्र के विकास में योगदान के लिए प्रेरित करेंगे। अगले एक हफ्ते में अनेक कार्यक्रम आपके विभाग के द्वारा होने वाले हैं। इस अमृत कार्य से जुड़े सभी विभागों को, आपकी हर छोटी मोटी इकाई को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आजादी का यह अमृत महोत्सव सिर्फ 75 वर्षों का उत्सव मात्र नहीं है, बल्कि आजादी के हमारे नायक नायिकाओं ने आजाद भारत के लिए जो सपने देखे थे, उन सपनों को सेलिब्रेट करना, उन सपनों को परिपूर्ण करना, उन सपनों में एक नया सामर्थ्य भरना और नए संकल्प लेकर के आगे बढ़ने का यह पल है। आजादी के लंबे संघर्ष में जिसने भी हिस्सा लिया, उसने इस आंदोलन में एक अलग डायमेंशन को जोड़ा, उसकी ऊर्जा बढ़ाई। किसी ने सत्याग्रह का रास्ता अपनाया, किसी ने अस्त्र शस्त्र का रास्ता चुना, किसी ने आस्था और अध्यात्म का रास्ता चुना, तो किसी ने इंटेलेक्चुअली आजादी की अलग को जगाने में अपनी कलम की ताकत का उपयोग किया, किसी ने कोर्ट कचहरी में मुकदमे लड़कर के देश की आजादी में एक नई ताकत भरने का प्रयास किया। इसलिए आज जब आया हम आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहे हैं,
तो प्रत्येक देशवासी का कर्तव्य है कि वो अपने अपने अपना कोई विशिष्ट योगदान राष्ट्र के विकास में जरूर जोड़े। आप देखिए, अगर हम राष्ट्र के तौर पर देखें तो भारत ने बीते 8 वर्षों अलग अलग आयामों पर नित्य नूतन कदम उठाए हैं, नवीन काम करने का प्रयास किया है। इस दौरान देश में जो जनभागीदारी बढ़ी, उन्होंने देश के विकास को गति दी है, देश के गरीब से गरीब नागरिक को सशक्त किया है। स्वच्छ भारत अभियान ने गरीब को सम्मान से जीने का अवसर दिया। पक्के घर, बिजली, गैस, पानी, मुफ्त इलाज जैसी सुविधाओं ने हमारे गरीब की गरिमा बढ़ाई, हमारे नागरिकों के आत्मविश्वास में एक नई ऊर्जा भर दी और साथ साथ सुविधा भी बढ़ाई। कोरोना काल में मुफ्त राशन की योजना ने 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को भूख की आशंका से मुक्ति दिलाई। देश के आधे से अधिक आबादी जो देश के विकास के विमर्श से, फॉर्मल सिस्टम से वंचित थी, एक्सक्लूडेड थी, उसका इंक्लूजन हमने मिशन मोड पर किया। फाइनेंशियल इंक्लूजन का इतना बड़ा काम इतने कम समय में दुनिया में कहीं नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात, देश के लोगों में अभाव से बाहर निकलकर सपने देखने और सपनों को साकार करने का नया हौसला हमें देखने को मिला। साथियों, आजादी के 7 दशक बाद ये जो इतना बड़ा परिवर्तन आया है, उसके केंद्र में पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस है, गुड गवर्नेंस का लगातार प्रयास है। एक समय था जब हमारे देश में नीतियों और निर्णय गवर्नमेंट सेंट्रिक होते थे, यानी किसी योजना के शुरू होने के बाद ये लोगों की जिम्मेदारी थी कि वो सरकार तक पहुंचकर उसका लाभ उठाएं। इस तरह की व्यवस्था में सरकार और प्रशासन दोनों की ही जिम्मेदारी कम हो जाती थी। अब जैसे किसी गरीब छात्र को पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद की जरूरत होती थी, तो पहले वो अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों या फिर दोस्तों से मदद लेने के लिए मजबूर था। इसी काम के लिए सरकार की जो भी योजनाएं थी उसमें इतनी ज्यादा प्रक्रियाएं होती थी कि वो उस मदद को पाने के लिए आगे ही नहीं बढ़ता था, उस प्रक्रिया में ही थकान महसूस करने लग जाता। इसी तरह अगर किसी एंटरप्रेन्योर, किसी व्यापारी कारोबारी को लोन की जरूरत होती थी तो उसे भी अनेक जगह चक्कर लगाने पड़ते थे, अनेक प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता था। अक्सर ये भी होता था कि अधूरी जानकारी की वजह से वो मंत्रालय की वेबसाइट तक भी नहीं पहुंच पाता था। ऐसी मुश्किलों का नतीजा ये होता था कि छात्र हो या व्यापारी, अपने सपने बीच में ही छोड़ देता था, उन्हें पूरा करने के लिए कदम ही नहीं उठाता था। पहले के समय
गवर्नमेंट सेंट्रिक गवर्नेंस का देश ने बहुत बड़ा खामियाजा उठाया है, लेकिन आज 21वीं सदी का भारत पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस के अप्रोच के साथ आगे बढ़ा है। ये जनता ही है जिसने हमें अपनी सेवा के लिए यहां भेजा है, इसलिए हमारी ये सर्वोच्च प्राथमिकता है कि हम खुद जनता तक पहुंचे, हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचना, उसे पूरा लाभ पहुंचाना, ये दायित्व हम पर है। अलग अलग मंत्रालयों के अलग अलग वेबसाइटों के चक्कर उसे लगाने से बेहतर कि वो भारत सरकार के एक पोर्टल तक पहुंचे और उसकी समस्या का समाधान हो। आज जन समर्थ पोर्टल लॉन्च किया गया है, वो इसी लक्ष्य के साथ बनाया गया है। अब भारत सरकार की सभी क्रेडिट लिंक स्कीम्स अलग अलग माइक्रो साइटों पर नहीं बल्कि एक ही जगह पर उपलब्ध होगी। ये जन समर्थ पोर्टल छात्रों का, एंटरप्रेनर्स का, व्यापारियों कारोबारियों का, किसानों का जीवन तो आसान बनाएगी ही, उन्हें अपने सपने पूरे करने में भी मदद करेगा। अब छात्र आसानी से जानकारी ले पाएंगे कि कौन सी सरकारी योजना का उन्हें सबसे ज्यादा लाभ होगा, वो कैसे उसका फायदा उठा सकता है। इसी तरह हमारे युवा आसानी से ये तर्क कर पाएंगे कि उन्हें मुद्रा लोन चाहिए या स्टार्टअप इंडिया लोन चाहिए। जन समर्थ पोर्टल के माध्यम से अब देश के युवाओं को, मध्यम वर्ग को एंड टू एंड डिलीवरी का एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है, और जब लोन लेने में आसानी होगी, कम से कम प्रक्रियाएं होगी, तो यह भी स्वाभाविक है कि ज्यादा से ज्यादा लोग लोन लेने के लिए आगे आएंगे। ये पोर्टल स्वरोजगार को बढ़ाने में, सरकार की योजनाओं को सभी लाभार्थियों तक ले जाने में अहम भूमिका निभाने वाला है। मैं जन समर्थ पोर्टल के लिए देश के युवाओं को विशेष रूप से बधाई देता हूं। आज यहां इस कार्यक्रम में बैंकिंग सेक्टर के दिग्गज भी मौजूद है। मेरा उनसे आग्रह है कि सारे बैंकर्स भी जन समर्थ पोर्टल को सफल बनाने के लिए, युवाओं को लोन मिलना आसान बनाने के लिए अपनी भागीदारी ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। साथियों, कोई भी सुधार हो, रिफॉर्म हो, अगर उसका लक्ष्य स्पष्ट है, उसके इंप्लीमेंटेशन को लेकर गंभीरता है, तो उसके अच्छे नतीजे भी आना तय है। बीते 8 वर्षों में देश ने जो रिफॉर्म किए हैं, उनमें बड़ी प्राथमिकता इस बात की को भी दी गई है कि हमारे देश के युवाओं को अपना सामर्थ्य दिखाने का पूरा मौका मिले। हमारे युवा अपनी मनचाही कंपनी आसानी से खोल पाए, वो अपने एंटरप्राइज आसानी से बन पाए, उन्हें आसानी से चला पाए, इस ओर जोर दिया गया है। इसलिए 30,000 से ज्यादा कंप्लायंसेस को कम करके, 1,500 से ज्यादा कानूनों को समाप्त करके, कंपनीज एक्ट के अनेक प्रावधानों को डीक्रिमिनलाइज करके, हमने सुनिश्चित किया है कि भारत की कंपनियां न सिर्फ आगे बढ़े बल्कि नई ऊंचाई को प्राप्त करें। साथियों, रिफॉर्म्स यानी सुधार के साथ ही हमने जिस बात पर फोकस किया वो है सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। केंद्र और राज्य के अनेक टैक्सों के जाल की जगह अब जीएसटी ने ले ली है, और इस सिंप्लीफिकेशन का नतीजा भी देश देख रहा है। अब हर महीने जीएसटी कलेक्शन 1,00,000 करोड़ से रुपए के पार जाना सामान्य बात हो गई है। ईपीएफओ रजिस्ट्रेशन की संख्या में भी हम लगातार बढ़ोतरी देख रहे हैं। सुधार सरलीकरण से आगे बढ़कर अब हम सुगम व्यवस्था का निर्माण कर रहे हैं।
जेम पोर्टल की वजह से एंटरप्रेनर्स और एंटरप्राइज के लिए सरकार के अपना प्रोडक्ट बेचना बहुत आसान हो गया है। इसमें भी खरीद का आंकड़ा 1,00,000 करोड़ को पार कर रहा है। आज देश में निवेश करने के लिए कहां कहां संभावनाएं हैं वो जानकारी इन्वेस्ट इंडिया पोर्टल के माध्यम से आसानी से उपलब्ध है। आज अनेक तरह की क्लियरेंसेस के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल है। इसी कड़ी में ये जनसंपर्क पोर्टल भी देश के युवाओं, देश के स्टार्टअप्स को बहुत मदद करने वाला है। आज हम सुधार, सरलीकरण, सुगमता की शक्ति के साथ आगे बढ़ते हैं तो सुविधाओं का नया स्तर प्राप्त होता है। सभी देशवासियों को आधुनिक सुविधाएं देना, उसके लिए नित नए प्रयास करना, नए संकल्प लेकर उन्हें सिद्ध करना हम सभी का दायित्व है। साथियों, बीते 8 वर्षों में हमने दिखाया है कि भारत अगर मिलकर कुछ करने की ठान ले तो पूरी दुनिया के लिए एक नई उम्मीद बन जाता है। आज दुनिया सिर्फ एक बड़े कंज्यूमर मार्केट के रूप में ही नहीं बल्कि एक समर्थ गेम चेंजर क्रिएटिव इनोवेटिव इकोसिस्टम के रूप में आशा और अपेक्षाओं से हमारी तरफ आज दुनिया देख रही है। दुनिया के एक बड़े हिस्से का भारत से समस्याओं के समाधान की अपेक्षाएं हैं। ये इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि बीते 8 सालों में हमने सामान्य भारतीय के विवेक पर भरोसा किया। हमने जनता में ग्रोथ में इंटेलिजेंट पार्टिसिपेंट्स के रूप में प्रोत्साहित किया। हमें देश की जनता पर पूरा विश्वास रहा है कि जो भी टेक्नोलॉजी सुशासन के लिए लाई जाएगी उसे देश की जनता स्वीकार करेगी और सराहेगी भी। इसी जन विश्वास का परिणाम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ डिजिटल ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के रूप में सबके सामने है। आज दूर सुदूर गांव से लेकर शहरों के मोहल्लों में रेहड़ी ठेले पर भी 10-20 रुपये से लेकर लाखों के ट्रांजैक्शन देशवासी इस पर आसानी से कर रहे हैं। हमें भारत के युवाओं में इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर जो जुनून है उस पर भी बहुत अधिक विश्वास था। देश के नौजवानों में छुपे इस जुनून को रास्ता देने के लिए स्टार्टअप इंडिया का प्लेटफॉर्म दिया गया। आज देश में लगभग 70,000 स्टार्टअप हैं और हर रोज इसमें 10